being the president of the union, it's my moral duty to introduce our cabinet, and it will take only 2 minutes. फिर उनसे ये हमारी बहनती है सुनंदर जोशी समुदाय भवन का प्रभारण के पास में मधुटांग जी हमारे महिला मोर्चे के अध्यक्ष मीना जी हैं, गीता जी आई हैं, भाई संदीप चावरिया जी हैं, सुंदर सिंघालिया जी, गोविंद सिंह जी होटल डिपार्टमेंट से हैं, सुखपाल जी हैं, ज्योति जी हैं, भाई विनोद कुंडाना जी हैं, संजय वैद साहब हैं, दिनेश सिंघालिया जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, राकेश जी हैं, प्रेमचंद गौतम जी इंद्र विभाग से हैं, डॉक्टर राजेश भगवानी जी इंद्र विभाग से, नरेश जी हैं, प्रमोद मेहरोले जी, मुकेश बेनीवाल साहब बैठे हुए, सतीश विवाल जी हैं, राकेश सूद साहब हैं, जोगेंद्र भाई जी वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश में हमारे, जयन नाग जी जनरल सेक्रेटरी हैं, कुलदीप पिंडालिया जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, सुरेश पर बेनवाल जी प्रोजेक्ट सेक्रेटरी हमारे, नीरज बागवे जी इस जिले के प्रेसिडेंट हैं, संजय सुमन जी हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, सुनील जी हैं, प्रेम सिंह मेहरोले साहब हैं और भाई हरिशंकर जी हैं। इधर से देखिए तो बिजनेस चौटाला जी भी आए साथ में, हमारे उमेश चलाना जी स्पीकर हैं हमारी, इनके महमूद जी हैं, राजेंद्र टांग जी, अरुण शर्मा जी होटल डिपार्टमेंट है, कृपाल जी हमारे ऑटो वर्क साहब से हैं, इनके साथ में आए आने वाली 15 जनवरी को रामलीला मैदान पे हम लोग आमरण अनशन करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है कि चाहे बीमार है चाहे डायबिटीज है हमारे से कुछ भी है हमें नहीं पता इस बात का, हमें अपना हक चाहिए क्योंकि बार बार प्रश्न करते हैं हड़ताल करते हैं कर्मियों 7 दिवस के अंदर रिजल्ट नहीं निकल पा रहे, तो अभी लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि हम लोग आमरण अनशन पर वहां जगह बैठ जाएं। आप सबको पता होगा देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि दिल्ली के सफाई मजदूर अपनी मांगों से परेशान होकर रामलीला मैदान पहुंचने दिया, ऐसा पहली बार होगा। ये जब से 1957 से कॉरपोरेशन बनी है कोई नेता वहां नहीं पहुंचा जी आज तक, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, अभी लेबर अफसर का फोन भी आया था हमारे पास में, ये मीटिंग पहले हमारी 1 बजे होने वाली थी, कल फिर फोन आया कि जी आपकी मीटिंग फिर 11 बजे 11:30 बजे कर लेते जैसे मैडम को समय मिलेगा। तो आज हमारी इनफॉर्मल बैठक थी, लेबर अफसर ने कहा है अभी हम सारे चलेंगे विश्व पास से मिलेंगे वहां जाके, अभी हो सकता 5 तारीख को या 6 तारीख को या अगले सोमवार को। इन्होंने कहा कि जी जो हम कर सकते हैं कर्मचारियों के लिए हम तो वो कर सकते हैं, भाई वहां मत जाओ जी, वहां मत बैठो। उधर उत्तर दिल्ली ने भी और साउथ दिल्ली के पुनीत गोयल ने भी, उन्होंने कहा कि तीनों कमिश्नर बैठ जाते हैं आपके सामने, जो समस्या बताओ जो हमारे पास है उसे लेना नहीं है उसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं, तो उसमें जो भी हमारे पदाधिकारी सेटिस्फाई हो पाएंगे उसके अनुरूप हम काम करेंगे। ठीक है जी, जब ये कह रहे हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो हम थोड़ी देर चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार से पैसा मिल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इसलिए वो हमारा प्रयास हो रहा मतलब। ठीक है,